तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं स्ट्रेटजी पॉली लाइन की। इस स्टॉक में भी आज अपर सर्किट लगता दिख गया है। सुबह की वॉलेटिलिटी के बाद ये स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो गया है। करंटली इसकी जो मार्केट प्राइस है 17.25 है। तो आइए भी इसके लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं, ट्रेंड चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल देखेंगे। एंड तक जरूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुनें। सबसे पहले इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज में देखो 8.15% की ब्यूलिश रिवर्सल इस स्टॉक में देखने को मिल गई है। वन मंथ का डाटा देख लो, बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी है, नियरली फ्लैट ट्रेंड है। पहले ये स्टॉक रैली कर रहा था, फिर गिरावट हुई, फिर रैली हुई, फिर गिरावट हुई। अब इस स्टॉक ने जो सपोर्ट बनाया है वो 16 के अराउंड बनाया है। 16 का लेवल एक बहुत ही बड़ा इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ से इस स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल गया है। 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं तो पहले इस स्टॉक में देखो 71% की गिरावट हो रही है। स्लोली स्टेडली ये जो स्टॉक है नीचे गिरता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब स्लोली स्टेडली ये स्टॉक जो है वो अपना बेस भी बनाता दे रहा है। पहले जब गिरावट हुई थी तो इसका जो सपोर्ट जोन आया था दैट वाज अराउंड 16.50। अब फिर ये जो स्टॉक है इसी लेवल के अराउंड, जैसे हमने पहले चार्ट में दिखाया है, इसका जो 16 का लेवल है वो डिफेंड करता नज़र आ रहा है। तो 16 का लेवल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो आने वाले टाइम में यदि कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाता है तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल शो करता दिखाई दे सकता है, क्योंकि 1 ईयर में देखो अभी भी शानदार रिटर्न्स हैं। 153% के बढ़िया रिटर्न्स ही देखने को मिले हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये स्टॉक अपना जो बेस बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अब आने वाले टाइम में जो है ट्रिगर, वो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। यदि कंपनी अच्छे नंबर पेश कर देती है, क्योंकि अभी देखो इसकी जो पीई वैल्यूएशंस है ना वो क्वाइट हाई हैं, 400 के अराउंड पीई रेशो चल रही है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो अभी भी हाई है और आरओई परसेंटेज अभी लो है। क्योंकि दोस्तों दो ही चीज़ें होती हैं, एक है उस कंपनी के फंडामेंटल्स, दूसरे हैं उसकी वैल्यूएशंस। फंडामेंटल्स में देख सकते हो आप थोड़ा इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरह की निकल कर आ रही है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की निकल कर आ रही है। यहाँ पे देखो जून 2022 ऑनवर्ड्स इसका जो रेवेन्यू है वो अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले क्योंकि बहुत ही जीरो ऑन जीरो बेसिस पे तो गिरावट है, लेकिन आप देख सकते हो अब स्लोली स्टेडली इसके रेवेन्यू में रिकवरी जरूर हो रही है। तो यदि आने वाले टाइम में ये कंपनी फिर रिकवरी शो कर देती है तो एक रिवर्सल का ट्रेंड जो है वो बनता जरूर आपको दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आप इसके क्वार्टरली नंबर पे फोकस करें। अभी इसकी डेट नहीं आई है, जल्दी जैसे ही इसकी डेट आएगी तो हम भी आपके साथ इसके जो ट्रेंड हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि क्वार्टर फोर के नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स भी आएंगे और साथ के साथ फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर्स भी डिक्लेयर किए जाएंगे। तो इसलिए आप आने वाले टाइम में रिजल्ट्स देखने के बाद ही कोई इस स्टॉक में पोजीशन बनाएं। अभी थोड़ा सा अलर्ट रहें, अभी थोड़ा सा इस स्टॉक में जो है वो आपको पोजीशन अलर्ट रहना चाहिए और इसके क्वार्टरली नंबर जरूर एक बार देख लेने चाहिए। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों स्ट्रेटजी पॉली लाइन में 16 का लेवल एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन बनता दिखाई दे चुका है। थैंक्स अगेन।